टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बिकम डबल देन प्रेशर विल बी. हमें एक आइडियल गैस दे रखी है जिसका एटमोस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 300 केल्विन एंड वॉल्यूम दे रखी है 1 मीटर क्यूब. टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को डबल कर दिया तो प्रेशर क्या होगा, P2 हमें बताना है. ओके, एटमोस्फेरिक प्रेशर दे रखा है तो हमारे पास P1 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5, और V1 क्या है, 1 दे रखा है 1 मीटर क्यूब, एंड T1 हमें दे रखा है 300 केल्विन. इसने कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को क्या कर दिया, डबल. प्रेशर वॉल्यूम को क्या कर दिया, सॉरी, टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या कर दिया, हमारे पास डबल कर दिया. टेम्परेचर और वॉल्यूम को डबल कर दिया तो हमारे पास पी प्रेशर क्या होगा वो हमें बताना है. यानी कि V2 कर दिया 2 मीटर क्यूब एंड T2 को कर दिया 600 केल्विन. तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, P1 V1 डिवाइड बाय में T2 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय में T2. दैट इज द इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे पास ये. तो P1 क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, 10 की पावर 5 पास्कल. ये क्या दे रखा है हमारे पास, एटमोस्फेरिक प्रेशर. दैट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो 10 की पावर 5 1 डिवाइड बाय में T1 कितना है 300 इक्वल टू P2 × V2 कितना है 2 डिवाइड बाय में 600. तो हमारे पास P2 क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 × 600 डिवाइड बाय में 2 × 300. तो हमारे पास P2 भी क्या आ गया, दैट इज 10 की पावर 5. ये भी क्या गया हमारे पास, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वेयर. दैट इज द आंसर.